के पाकिस्तान से आके पार्लियामेंट की घटना, 26/11 की घटना, दिल्ली में बम ब्लास्ट, जयपुर के अंदर बम ब्लास्ट, दीनानगर की घटना, पठानकोट की घटना, ये करते हैं। हमें बताइए, हमारे पे इल्जाम लगाइए, क्या हिंदुस्तान की सरकार पाकिस्तान में घुस करके क्या किसी बहन का सुहाग उजाड़ा? यूएन से पहले कश्मीर पर इमरान का सरेंडर, और आज इसी पर बहस करनी है। जो सारे सवाल इस बहस में होंगे वो आपके सामने मैं रखना चाहती हूं। पहला सवाल तो यही कि क्या इमरान खान ने कश्मीर पर अपनी हार मान ली है? क्या बार बार की बेइज्जती से इमरान खान मायूस हो गए हैं? मोदी की कूटनीति के आगे इमरान ने अब सरेंडर कर दिया? दुनिया में बेइज्जती झेलने के बाद झूठ बोलना क्या आप बंद करेंगे इमरान? और पांचवा सवाल, अलकायदा पर कबूलनामे के बाद यूएन में किस मुंह से इमरान खान अपनी बात रखेंगे? जो खास मेहमान हमारे साथ हैं उनसे भी आपका तारुफ करवा देती हूं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता हैं जफर इस्लाम साहब, जुड़ गए हैं। हमारे साथ एमएस बिट्टा साहब जुड़ गए हैं, जो कि अध्यक्ष है AIATF के, और यहां स्टूडियो में है हमारे साथ, सौभाग्य हमारा। सुशील पंडित साहब जुड़ गए हैं, रूट्स इन कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सुशील पंडित साहब आपका। अहमद अयाज साहब सचिव है JKMPLB के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है अयाज साहब। और माईद अली साहब पत्रकार है पाकिस्तान के और पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़े हैं। बिट्टा साहब मेरी बात सुनिए, आप मुझे बताइए, जब से 370 धारा हटी है, ये पाकिस्तान वालों को तो बाद में जवाब देता हूं, पहले अपने भाई साहब को इसका जवाब दे दूं। आप मुझे बताइए, आपकी छोटी छोटी ये समस्याएं हैं, मैं मानता हूं, पंजाब में भी टेररिज्म था, पंजाब में भी ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ, हम भी हरमंदर साहब के आसपास रहते थे, दो दो महीने कर्फ्यू लगता था, दो दो महीने, डेढ़ डेढ़ महीना कर्फ्यू लगता था, हमने तो कभी पीड़ा महसूस नहीं की, हमने तो कभी शोर नहीं मचाया, आज पंजाब में अमन शांति आया। अगर 70 साल की कैंसर की बीमारी को हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने उखाड़ करके फेंक दिया कि सदा के लिए ये बीमारी खत्म हो जाए, और वहां का आप क्या समझते हैं कि वहां का जो मुसलमान भाई है वो हमसे दूर है या हम उनसे दूर हैं? उनकी नई जनरेशन के लिए, पत्थरबाज के लिए एक नया रास्ता, एक नई डेवलपमेंट, एक नया विकास, ये क्या फोन की बात है? फोन चलता है, फोन नहीं चलता, नहीं। कितने जवान अब शहीद हुए, कितने पत्थरबाजों की बात। मैं आपसे सवाल है, मैं आपसे आज बात इसलिए नहीं करना चाहता कि सामने पाकिस्तान में बैठा हुआ को हमसे को बहस करने वाला है, हम उसको तमाशा नहीं दिखाएंगे, हम एक हैं, हम उसको जवाब देंगे। जो रोज धमकी देता है, रोज आतंकवादी भेजता है, हम उसको जवाब देंगे। आज हमारी बहस नहीं होनी चाहिए, हम बाद में बैठ के बात कर लेंगे। माईद अली साहब, सुना आपने, ये घर का मसला है, हमारी शिकायत एक दूसरे से, आप कहां बीच में? नहीं, कत्तन नहीं। एक मेरी बात सुनिए, हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो हिट लिस्ट में थे, क्या नवाज शरीफ को मिलने आए थे? क्या हमने विरोध किया था? हमने विरोध किया था कि आप पाकिस्तान में गए, क्यों आए थे? महात्मा गांधी का संदेश लेकर के पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान पाकिस्तान में शांति का संदेश लेके आए थे, मौत का कफन बांध के आए थे, ठीक है? उसके बाद क्या किया आपने? आपने दीनानगर की घटना, आपने पठानकोट की घटना, उसके बाद आपकी तरफ से एक गोली चलती है, हमारी तरफ से 100 गोली चलती है, पर पहले क्या था? हम चाहते थे अमन शांति हो, आप भी अमन शांति चाहते हैं, ऑक्यूपाई कश्मीर दे दो, मैं चुप कर जाता हूं। अमन शांति चाहते हैं हम लड़ाई नहीं चाहते। हमारा मुल्क पाकिस्तान में घुस करके बेगुनाहों के कत्लेआम नहीं करता है, बहनों के सुहाग नहीं उजाड़ता है, बच्चों को यतीम नहीं करता है। आपके पाकिस्तान से आके पार्लियामेंट की घटना, 26/11 की घटना, दिल्ली में बम ब्लास्ट, जयपुर के अंदर बम ब्लास्ट, दीनानगर की घटना, पठानकोट की घटना, ये करते हैं। हमें बताइए, हमारे पे इल्जाम लगाइए, क्या हिंदुस्तान की सरकार पाकिस्तान में घुस करके क्या किसी बहन का सुहाग उजाड़ा? क्या किसी बच्चे को यतीम किया? हाँ, आतंकवादियों से लड़ना हमारा हक है और वो हमारा हक रहेगा। जितनी देर तक आतंकवाद रहेगा हम लड़ते रहेंगे, और बालाकोट जैसी घटनाएं हम बार बार चलते रहेंगे अगर आपकी तरफ से आतंकवाद समाप्त नहीं होता। आप बात करते थे ऐसे खाम का कुड़की जा रहे हैं, बात ही सुन रहा। अरे लड़ने की हिम्मत है? आज नया भारत है जनाब,
ये नई क्रांति है हिंदुस्तान के अंदर, वो पहले का भारत नहीं रहा। अच्छा भाई साहब सुन लिया ना आपने साहब, लेकिन यहाँ पर हिंदू मुसलमान वाला मसला कश्मीर में कतई नहीं है। आपको ये पता चला कि जब 18 जवान शहीद किए गए तो पाकिस्तान में घुस करके चाली मार के कैंप उड़ा के हमारी फौज वापस आई, हमें सुबह उठ के पता चला। जब हमारे 40 जवान शहीद किए, आपके बालाकोट में घुस करके 15 मिनट के अंदर, जनाब कश्मीर ने ये बात भी इमरान खान ने वहीं पर मानी है यूएन में, 15 मिनट के अंदर आपके 300-400 जो उसामा बिन लादेन वाले थे मार करके 15 मिनट में आए। जब हम चाहेंगे हम ऑक्यूपाई कश्मीर लेंगे, याद रखना, पर हम चाहते हैं जवाब चाहते हैं आप पड़ोसी मुल्क में आई हमारी आपस में झगड़ ना हो। हमने आपको जवाब दिया और आपने जवाब नहीं दिया। बात समझ लीजिए अली साहब, ये आज का हिंदुस्तान है, समझ लीजिए। आप लोग पठान को जवाब दिया, आपने अभिनंदन कराया, एक गोली चलती 100 का जवाब देते हैं या नहीं देते? पहले हमने आपसे हुआ कुछ नहीं, प्रधानमंत्री जी ने आपके पाकिस्तान में गांधी दिया था, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, क्या बना है क्या की जरूरत नहीं हमें कुछ माई दल आज का हिंदुस्तान नहीं चाहते जंग हो। ओके, मेरे 27 तारीख को क्या होगा वो आप पर हम देखेंगे और सिर्फ हंस पाएंगे और कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ना उनके पास तर्क होंगे ना सच्चाई होगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए एबीपी न्यूज।